जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि महिला में पीरियड क्या होता है। अब देखिएगा हर महिला को ना एक महीने में एक बार क्या आता है, पीरियड आता है, तो उसके विषय में हम समझते हैं। लेकिन इसमें कई चीज़ को हम समझते हैं, क्या क्या समझना है ध्यान समझिए। देखिए हाइमन क्या होता है, हाइमन कैसे टूट जाता है, पीरियड कब आता है और पीरियड क्यों आता है। देखिए पीरियड न आए तब क्या होता है और पीरियड में महिला को अशुभ क्यों माना जाता है और प्रेग्नेंट महिला में पीरियड क्यों नहीं आता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हाइमन क्या होता है। चलिए ध्यान समझिए। देखिए भैया हाइमन किसके अंदर होता है, तो महिला के अंदर होता है, और कहाँ होता है, तो ये वजाइना के अंदर होता है। अब ध्यान समझिए, देखिए है क्या बाबू, इसे हम बोलते हैं ओवरी। अब देखिए ओवरी क्या करता है, तो अंडा को रिलीज करता है, लेकिन अंडा रिलीज करके ये बेचारा कुछ नहीं कर सकता है जब तक सेक्स नहीं किया जाएगा। देखिए सेक्स करने से क्या होता है, तो पुरुष के अंदर से स्पर्म जाता है और महिला के ओवरी में क्या बनता है, अंडा बनता है। तो जैसे सब मिलते हैं ना तब क्या होता है, बच्चे का जन्म होता है। लेकिन आखिर भैया कैसे होगा, तो देखिए यही माध्यम होता है, यानी जो वजाइना होता है इसी के माध्यम से ना जो पुरुष होता है अपने पेनिस को वजाइना के अंदर डालता है और स्पर्म को रिलीज करता है, समझ गया। लेकिन उसमें देखिएगा ना भाई वजाइना के अंदर एक पतला सा झिल्ली होता है और उसी झिल्ली को हम क्या बोलते हैं, तो हाइमन बोलते हैं। यहाँ पे समझिए, देखिए बाबू है क्या है, इसे हम बोलते हैं वजाइना। अब वजाइना को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो योनि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, योनि बोलते हैं। तो देखिए 0.8 इंच से लेके 1.2 सेमी के अंदर क्या होता है, देखिए एक पतला सा क्या होता है, इसे झिल्ली होता है और उसी झिल्ली को क्या होता है बाबू, तो एक झिल्ली होता है और उसी झिल्ली को हम क्या बोलते हैं, तो हाइमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइमन बोलते हैं। तो कहाँ होता है, तो वजाइना में होता है, यानी 0.8 इंच से लेके 1.2 सेमी के अंदर होता है। क्या होता है, तो एक झिल्ली होता है और उसी झिल्ली को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू, वजाइना बोलते हैं, समझ में आएगा। अब देखिए आखिर कैसे टूट जाता है, यानी जो हाइमन होता है ये कैसे टूट जाता है। तो देखिए बाबू ये बहुत पहले से एक प्रथा चला रहा है कि जब मेल और फीमेल सेक्स करते हैं ना तभी हाइमन टूट जाए। आप बताइए पहले क्या होता था भैया, देखिए बाल विवाह क्या होता था, बाल विवाह होता था। अब बाल विवाह में क्या होता था, देखिए 10 साल में, 12 साल में, 9 साल में, 8 साल में क्या किया जाता था, तो शादी किया जाता था। अब बताइए लड़की बेचारी 10 साल की रहेगी, पोटा पोछेगी, वो कुछ समझ में नहीं करती है, लेकिन उसी समय उसका शादी किया जाता था। तो लोग बोलते थे अब इसका शादी हो गया, लेकिन जैसे उस शारीरिक संबंध बनाती थी ना, देखिए हर जो झिल्लियाँ रहता था इस ससुरा टूट जाता था। अब जब टूट जाता था तो लोग बोलते थे कि लड़की का नट टूट गया। तो ऐसा कब होता था, तो जब बाल विवाह होता था तब। लेकिन एक क्रांतिकारी थे जिनका नाम था राजा राम मोहन राय, वो क्या किए अंग्रेजों के पास गए, उन्होंने कहा इस ससुरा गलत चीज़ है, इसको बढ़ा दिया जाए। उन्होंने क्या किया, देखिए इसको 14 साल करवा दिया। लेकिन इसमें भी दिक्कत था, दिक्कत क्या था कि 14 साल में लड़की पूरा बढ़िया से अपने आप को नहीं समझ सकती है। तो देखिए उस समय ना इस अवस्था में लोगों का शादी हो जाता था, तो लड़की कुछ नहीं समझ पाती थी, और जब नहीं समझ पाती थी तो सेक्स के दौरान यही झिल्ली फट जाता था, तो लोग बोलते थे कि हाइमन टूट गया। लेकिन अब इसी दर को बढ़ा के भैया कितना कर दिया गया, 18 साल। अब देखिए 18 साल में 21 साल में जब शादी होता ना, तो लड़की का हाइमन खुद से टूट जाता है। अब कैसे टूट जाता है, इस समय लड़की कोई काम नहीं करती थी, लेकिन आज के ज़माने में देखिएगा साइकिल चलाती है, मोटरसाइकिल चलाती है, बोझा उठाती है, जिम करती है, तो उसके प्रभाव से क्या होता है, हाइमन टूट जाता है, समझ में क्या। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब लड़की कम उम्र में होती है, कुछ काम नहीं करती है, तो हाइमन रहता है, तो सेक्स के दौरान ही टूट जाता है। लेकिन जब लड़की बढ़ जाती है, 20 साल का 22 साल का हो जाती है, तो काम करती है, तो ये झिल्ली फट जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सेक्स के दौरान ही टूटेगा, अगर लड़की कम उम्र में है तब ये टूटेगा, लेकिन उम्र ज़्यादा हो जाता है तो ऑटोमेटिक ही टूट जाता है, समझ में क्या। तो क्या हो गया भैया कि हाइमन कैसे टूट जाता है, इतना क्वेश्चन में क्या। अब हम ये समझते हैं कि पीरियड कब आता है, अब इसके विषय में समझिए। देखिए पीरियड कब आता है, तो ध्यान समझिए, देखिए पहला पीरियड। अब देखिए ऐसा थोड़ी ना कि हर बार पीरियड आएगा, कुछ उम्र होता है। उम्र क्या होता है, देखिए 11 से 13 साल में ना क्या आता है, महिला में पहली बार क्या होता है,
पीरियड आता है। अब ऐसा थोड़ी ना कि लड़की जन्मेगी तब पीरियड आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। एक उम्र होता है, उम्र क्या होता है, 11 से 13 साल में क्या होता है भैया, पीरियड आता है। लेकिन जब लड़की में पहला बार पीरियड आता है उसे हम बोलते हैं मीनार्की। क्या बोलते हैं बाबू? तो मीनार्की बोलते हैं। तो देखिए, जिस लड़की में पहला बार पीरियड आता है उसे हम क्या बोलते हैं, मीनार्की बोलते हैं। लेकिन जब लास्ट होता है, देखिए जब लास्ट पीरियड आता है तो कब आता है, देखिए 45 साल, 55 साल, 60 साल, यानी इसी के बीच में ना महिला का लास्ट पीरियड आता है। तो जब लास्ट पीरियड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो मेनोपॉज बोलते हैं। यानी लड़की में जब पहला बार आता है 11 से 13 साल में मीनार्की बोलते हैं, लेकिन जब उम्र ढल जाता है 45 साल, 55 साल, 60 साल के बीच में लास्ट पीरियड कभी भी आ सकता है। तो जब लास्ट आता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो मेनोपॉज बोलते हैं। समझ में गया? तो आपको क्या समझ में आ गया कि हाइमन क्या होता है, ये कैसे टूट जाता है और पीरियड कब आता है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब आगे हम समझते हैं। चलिए अब समझते हैं कि महिला में पीरियड क्यों आता है, अब इसके विषय में समझते हैं। चलिए ध्यान समझिए, है क्या है बाबू, इसे हम बोलते हैं फीमेल जनन तंत्र बोलते हैं। अब ध्यान समझिए, इसमें आपको दो थोड़ा गोल गोल दिखाई दे रहा है, यानी देखिए एक ठो हाई गोल का, एक ठो हाई गोल का। एक गोल का हम क्या बोलते हैं, तो ओवरी बोलते हैं। तो ओवरी कितना होता है, तो दो ठोरा। क्या होता है बाबू? तो महिला में ओवरी दो ठोरा होता है। अब देखिए ओवरी में क्या बनता है, तो ओभम बनता है, यानी अंडाणु बनता है। अब देखिए अंडाणु तो बनता है लेकिन परिपक्व होने में 14 दिन का टाइम लगता है। इसलिए लोग बोलते हैं कि अगर हमें बच्चा चाहिए तो इसी 14 दिन में हमें क्या करना चाहिए, सेक्स करना चाहिए। अगर बच्चा नहीं चाहिए तो लोग 14 दिन क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। समझ गया? यानी अंडाणु को परिपक्व होने में 14 दिन का टाइम लगता है। लेकिन आखिर परिपक्व कौन बनाता है? जैसे अब मान लीजिए आम को फल आता है, हम लोग क्या करते हैं, आम को हाली हाली तोड़ देते हैं, तोड़ के लाते हैं घर पे, तो करवाइटी से पकाते हैं, पकाने के बाद ले जाकर उसे हम बेचते हैं। उसी तरह से जो ओभम होता है इसको परिपक्व होने में 14 दिन का टाइम तो लगता है, लेकिन परिपक्व कौन करता है? देखिए परिपक्व करता है FSH हार्मोन्स, यानी देखिए FSH हार्मोन्स होता है। ये हार्मोन्स क्या करता है, तो अंडाणु को यानी ओभम को क्या करता है, परिपक्व करता है। लेकिन जब परिपक्व हो जाता है ना तो उसको भेजता कौन है, तो देखिए अंडाणु को निकालता कौन है, LH हार्मोन्स। यानी इसका काम होता है कि ओवरी में जो ओवम होता है इसको खूब बढ़िया से एकदम पका देता है। लेकिन जब पका देता ना तो जो LH हार्मोन्स होता, कहता है ए चचा अब कहाँ, अब पाक ही गया, अब तू जा, अब दूसर कौन आई, यानी ये क्या करता है, उसको बाहर निकालता है। लेकिन बाहर कहाँ निकालता है, अब मान लीजिए कोनो रास्ता तो होना चाहिए, अब मान लीजिए एक ठुरा पका रहा है, एक ठुरा भेज रहा है, लेकिन जब भेजेगा तो कहाँ भेजेगा, देखिए ये भैया क्या होता है, एक ठुरा नली होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, फिलिपियन ट्यूब बोलते हैं। यानी क्या होता है, एक फिलिपियन ट्यूब का नली होता है। लंबाई कितना होता है, देखिए 10 से 15 सेमी का क्या होता है, इसका लंबाई होता है। अब देखिए ओवरी में ओभम बन गया, परिपक्व भी हो गया, बाहर भी चला गया, लेकिन जब बाहर जाता है तो कितना देर तक रहता है, देखिए अब जो अंडा बाहर निकलता है ना, देखिए एक दिन, यानी क्या होता है भैया, 24 घंटा क्या होता है, ये फिलिपियन ट्यूब में इंतजार करता है। अब इंतजारवा कौन क्या करता है, तो स्पर्म का इंतजार करता है। अब स्पर्म कैसे जाएगा, तो देखिए जब मेल और फीमेल सेक्स करते हैं ना तो पुरुष के पेनिस से क्या होता है, स्पर्म जाता है। समझिए है क्या बाबू, इसे हम बोलते हैं बेजाइना। क्या बोलते हैं, बेजाइना यानी योनि बोलते हैं। तो देखिए जब संबंध बनाया जाता है, जो पुरुष होता है अपने पेनिस को बेजाइना में डालता है, इससे क्या होता है, स्पर्म रिलीज होता है। लेकिन जब स्पर्म रिलीज होता है ये कितना देर तक इंतजार करता है, देखिए ये 3 दिन तक, यानी कितना दिन तक, 3 दिन तक। यानी स्पर्म का जीवन काल कितना होता है, 3 दिन तक, और अंडा का जीवन काल कितना होता है, तो 1 दिन, यानी 4 दिन का ऐसा टाइम होता है कि सेक्स करना सबसे जरूरी होता है। लेकिन कोई समझ नहीं पाता है कि हमें कब करना चाहिए, इसलिए क्या करते हैं, लगता है संबंध बनाते हैं तो कभी भी ये दोनों मिल सकते हैं। समझ में गया? तो इस तरह से जब मिलते हैं तो बच्चा क्या होता है, पैदा होता है। कहाँ में आता है, देखिए इसे हम बोलते हैं यूट्रस। क्या बोलते हैं, यूट्रस बोलते हैं। तो क्या होता है भैया, जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो बच्चा यूट्रस में आके रुक जाता है। तो कब रुकता है, जब संबंध बनाया जाता है तब। लेकिन हमें क्या समझना है कि पीरियड क्यों आता है, आखिर कहाँ आता है, उसके विषय में थोड़ा समझिए। देखिए बाबू क्या है भैया, इसे हम बोलते हैं मायोमेट्रियम, और ओकरे अंदर है जो दीवार है उसे हम बोलते हैं इंडोमेट्रियम, यानी
मायोमेट्रियम और इंड्रोमेट्रियम। ये सब क्या होते हैं? तो ये सब गर्भाशय के क्या होते हैं? दीवार होते हैं। और ये सब क्या करते हैं भैया? देखिए ये सब इसका रक्षा करते हैं। लेकिन रक्षा कौन करवाता है? देखिए एक होता है इस्ट्रोजन, एक होता है प्रोजोस्टेरोन हार्मोन्स। यानी इस्ट्रोजन और प्रोजोस्टेरोन हार्मोन्स क्या करते हैं? तो इस दीवार का सब क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। जैसे अब मान लीजिए हमारा रक्षा कौन करता है? तो भैया हमारे देश के सैनिक सब बॉर्डर पर एकदम तैनात रहता है कि कौन आएगा तो अपने देश का रक्षा करेंगे। उसी तरह से माँ के घर में एक बच्चे का रक्षा कौन करता है? तो मायोमेट्रियम और इंड्रोमेट्रियम। लेकिन आखिर ये दीवार को बनाता कौन है? तो देखिए इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं, ये सब क्या करते हैं? इसको बना के इसका रक्षा करते हैं। समझ गया? लेकिन भैया अब मान लीजिए, अब तो भैया एक महीना पूरा होने वाला है, तो एक महीना में एक बार पीरियड आता है, तो कब आता है? तो देखिए भाई जो दीवारिया होता है, ऐसा सुना ना, यह दीवारिया टूट जाता है। अब जैसे दीवारिया टूटता है ना, तो ब्लड क्या होता है? वजाइना के रास्ते से बाहर आता है। यह वजाइना ठो रास्ता होता है, इसे बाहर करता है, तो लोग बोलते हैं कि क्या हो गया भैया? पीरियड आता है। समझ गया? तो कौन होता है? तो देखिए यह दीवार होता है इंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम का, और इस दीवार को कौन बनाता है? तो इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स इस दीवार को बना के इसका रक्षा करते हैं। तो कब करते हैं? तो एक महीना कर पाते हैं, लेकिन जैसे एक महीना पूरा होने वाला होता है, इस सब टूट तेरी अब टूट गया तो क्या होता है? बाहर आता है। जैसे अब मान लीजिए बांध बांधा गया भैया, अब बांधे पे ज़्यादा मजबूत कौन डाल देगा ना, तो बांध टूट जाएगा, तो जितना पानी रहेगा गांव में बाढ़ ला देता है। उसी तरह से ये जब दीवार टूट जाता ना, तभी क्या होता है? ब्लड बाहर आता है, उसे हम बोलते हैं कि पीरियड आ गया। अब समझिए एक चीज़ यहाँ पे बड़ा ध्यान सबको समझना है। अब मान लीजिए आखिर भैया बच्चा कब रुकता है? तो देखिए जब मेल और फीमेल सेक्स करते हैं तब बन रुकता है, बिना सेक्स के बच्चा नहीं रुक सकता। अब मान लीजिए उसका पति है बेचारा, कहीं चला गया कमाने के लिए, साल भर दो साल कमाएगा, तो ऐसे थोड़ी ना कि पीरियड नहीं आएगा। पीरियड हर वक्त आता रहता है। कहाँ आता रहता है? तो जो हार्मोन्स होते हैं ना, ये सब क्या करते हैं? हर महीना में इस दीवार को बना देते हैं। लेकिन अब एक महीना के बाद ये फिर दीवार टूट जाता है, और टूटने के बाद फिर क्या होता है? ब्लड आता है। यानी ये सब क्या करते हैं? इंतजार करते हैं कि अगर बच्चा रुक जाएगा तो हम एकदम दाब की दीवार मजबूत कर देंगे। जैसे आप कमाने के लिए जाएगा, इंतजार करेगा, ए मीते आईबा, कहेगा हाँ आ जाएंगे, एक घंटा दो घंटा तीन घंटा चार घंटा आप इंतजार करते हैं, अगर नहीं जाएगा तो अकेले चले जाते हैं। उसी तरह से ना ये दोनों क्या करते हैं? तो एक महीने इंतजार करते हैं कि हो सकता है बच्चा आएगा। लेकिन जब एक महीना पूरा होने वाला रहता है, इन लोगों का मनोबल टूट जाता है। अब जैसे मनोबल टूट जाता है तो दीवार भी टूट जाता है। अब जब दीवार टूट जाता है तो ब्लड क्या होता है? वजाइना के रास्ते से बाहर आने लगता है। समझ गया? तो ये प्रक्रिया होता है कि महिला में क्या होता है भैया? पीरियड आता है। इतना आपको समझ में आया कि पीरियड क्यों आता है? यानी ये हार्मोन्स जब टूटता है तब पीरियड आता है। समझ में आएगा? अब हम समझते हैं, देखिए पीरियड ना हो तब क्या होगा? देखिए पीरियड अगर नहीं आएगा तब क्या होता है? तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकता है। तो देखिए सबसे जरूरी क्या होता है पीरियड का? अगर जिस महिला में पीरियड नहीं आएगा ना, वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है। समझ में क्या? तो क्या आपको समझ में आ गया हाइमन क्या होता है, हाइमन कैसे टूट जाता है, पीरियड कब आता है, पीरियड क्यों आता है, और पीरियड ना आए तब क्या होता है? अब हम समझते हैं कि पीरियड में महिला अशुभ क्यों होती है, और प्रेग्नेंट महिलाओं को पीरियड क्यों नहीं आता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके विषय में थोड़ा आगे हम समझते हैं। चलिए अब समझते हैं कि पीरियड में महिला को अशुभ क्यों माना जाता है। तो देखिए भैया ये किसी ग्रंथ में नहीं लिखा गया है कि अगर महिला पीरियड में है तो अशुभ है। अब अशुभ भैया कहाँ है, एक चीज़ समझिए, जब तक महिला के अंदर पीरियड नहीं आएगा तब तक बच्चे को नहीं जन्म दे सकती है। यानी बच्चे का जन्म ना हो तो दुनिया चलेगा? नहीं चल सकता। यानी ये धर्म में नहीं कहा गया है कि अगर किसी महिला को पीरियड आता है तो अशुभ है। पता है कहाँ माना जाता है? ये पहले से ससुरा परंपरा चल रहा है कि महिला क्या हो जाती है? अपवित्र हो जाती है, और उस समय ना कोनो आचार छू देती है, कहा जाता है अरे बाबा आचार हमारा सर गया। तो कहें ऐसा बोला जाता है, ये पहले से परंपरा चल रहा है कि अगर कोई भी महिला अगर पीरियड आता है वो आचार को छू देती है तो आचार सर जाता है, अरे घंटा सर जाता है। ये बात भैया एकदम गलत है। लोग इस समय इस बात को भी मानते हैं कि महिला क्या होती है? अपवित्र होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसका पीरियड यानी ब्लड आता है। लेकिन ये बात सही नहीं है। यानी क्या होता है भैया? तो देखिए पीरियड में महिला को अशुभ इसी नहीं माना जाता है कि हो सकता है वो छुएगी तो आचार उचार सड़ जाता है। लेकिन पहले का परंपरा है।
समझ गया। तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि पीरियड में कोई महिला छू नहीं सकती है, सब कुछ कर सकती है। थोड़ा लोग क्या करते हैं, थोड़ा खाना बनाएगी, थोड़ा दिक्कत है भैया उसको ब्लड उड़ रहता है, इसलिए लोग क्या करते हैं खाना पीना नहीं बना देते और कोई दिक्कत नहीं होता है। समझ गया। अब देखिए प्रेग्नेंट महिला में पीरियड क्यों नहीं आता। देखिए जितने भी महिला ना अगर जब प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो उन्हें पीरियड नहीं आता है। काहे नहीं आता है समझिए। देखिए मिल्क बनाने वाला क्या होता है, हार्मोन्स, यानी मिल्क का मतलब क्या होता है तो दूध। तो दूध बनाने वाला कौन सा हार्मोन्स होता है तो प्रोलैक्टिन, यानी ये हार्मोन्स क्या करता है तो जैसे महिला गर्भ धारण कर लेते हैं ना ये हार्मोन्स क्या होता है एक्टिव हो जाता है। अब जैसे एक्टिव हो जाता है ये क्या करता है दूध को बनाने लगता है। अब जब दूध को बनाने लगता है ना तो देखिए प्रजनन हार्मोन्स को इससे थोड़ा दबा देता है। अब जैसे दबा देता है तो पीरियड नहीं आता, यानी समझिए जो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स है ये बड़ी मजबूत हार्मोन्स होता है। जैसे अब मान लीजिए हम 55 किलो के हैं और कोनो एक कुंटल का है कि हमसे बाजने के लिए आशा था कि हमारे ऊपर चढ़ जाएगा, उसमें दांतों चार दिन अरे बाप बाप हमके तो मुँह दल है, यानी हमारा वजन क्या है कमजोर है। अब उन्हें एक कुंटल का हमको दाब देगा ससुरा उसी में मुंह देगा। तो उसी तरह से जो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होता है दूध बनाने वाला ये प्रजनन हार्मोन्स को धैके चाप देता है। अब जैसे चाप देता है ये उठ नहीं पाता है और जब उठ नहीं पाता है तो पीरियड महिला में नहीं आता है। समझ गया। एक और वजह होता है देखिए इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स ये सब क्या करते हैं तो जो गर्भाशय का दीवार होता है ना उसका रक्षा करते हैं। अब देखिए जब बच्चा माँ के गर्भ में रुक जाता ना अगर उस सब टूट जाएगा फट जाएगा तो बच्चा धड़ाम से नीचे चलाता है, इसलिए वो सब जैसे बच्चा गर्भ में रुकता है उधर की दीवार को मजबूत कर देते हैं। अब जब दीवार को मजबूत कर देते हैं वो सब टूटते नहीं हैं और जब टूटते नहीं हैं तभी पीरियड नहीं आता। तो ऐसा कौन करवाता है तो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स उस सबको क्या करता है ससुरा तुमको कहीं नहीं जाना, बस दीवार बनाओ तो दीवार बना के रखो नहीं बहुत फुंकैया करेंगे, यानी उस सबको दबा देता है जिस कारण दीवार नहीं टूटता है और पीरियड नहीं आता है। समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हाइमन क्या होता है, हाइमन कैसे टूट जाता है, पीरियड कब आता है, क्यों आता है और नहीं आएगा तब क्या होता है और महिला को अशुभ क्यों माना जाता है और प्रेग्नेंट महिला में पीरियड क्यों नहीं आता है। समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय।